हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन चाओ को वांगजी और उसकी टीम ने पकड़ कर पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। उन सबको 3 दिन की लीव दी गई थी ताकि वो सब रेस्ट कर सकें। वांगजी का 1 दिन बाद बर्थडे था, पर वेंग के जाने के बाद वांगजी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। वे वुशियान पार्किंग लॉट में अपनी बाइक को निकाल रहा था तभी वहां जियांग चंग आ जाता है। वे वुशियान कहता है, सीनियर जियांग आप यहां? जियांग चंग कहता है, वे वुशियान क्या तुमको पता है कि कल वांगजी का बर्थडे है? ये सुनते ही वे वुशियान चौंक जाता है। वो कहता है, अरे मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। वे वुशियान कहता है, थैंक यू सीनियर, आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया। जियांग चंग कहता है, वे वुशियान वांगजी का साथ कभी मत छोड़ना। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता पर वो तुमसे प्यार बहुत करता है। वे वुशियान कहता है, सीनियर जियांग आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सीनियर वांगजी का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जियांग चंग वहाँ से चला गया। वे वुशियान काफ़ी खुश था तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ती है जो अपनी कार में बैठने ही वाला था। वे वुशियान जल्दी से वांगजी के पास पहुंच गया। वांगजी उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, वे वुशियान क्या हुआ, अभी तक तुम गए नहीं? वे वुशियान कहता है, सीनियर मैं अगले 3 दिन आपके साथ बिताना चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसमें? फिर वो कहता है, सीनियर वांगजी क्या कल हम डेट पर चलें? वांगजी कहता है, क्या डेट पर? वे वुशियान बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से वांगजी की ओर देखता जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वांगजी फाइनली हाँ कर देता है। वे वुशियान वांगजी को खुशी के मारे गले लगा लेता है। वो कहता है, सीनियर आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे वुशियान आज उससे इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है, पर फिर भी वो जवाब दे देता है और कहता है, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। वे वुशियान कहता है, सीनियर कल मैं आपको डेट के लिए जहां आना होगा वहां का एड्रेस भेज दूंगा, आप वहां आ जाना। ये कहकर वे वुशियान जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। वांगजी भी वहां से अपनी कार लेकर उसके बाद निकल जाता है। वे वुशियान को कल के दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। रात भर वो यही सोचता रहा कि वो सीनियर वांगजी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगा। सुबह का 10 बज रहा था। वे वुशियान तैयार हो गया। उसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था उसमें। उसने उस एरिया के वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में 1 दिन पहले ही जगह बुक कर ली थी। वे वुशियान वांगजी को मैसेज करता है कि सीनियर आप शाम 5 बजे तक साई टाउन के होटल फेदर लव पर पहुंच जाइएगा। जिस समय वांगजी के पास ये मैसेज पहुंचा, वो लगभग तैयार हो चुका था। वे वुशियान का मैसेज देखते ही वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांगजी शायद अपना बर्थडे की डेट भूल गया था, इसीलिए उसे वे वुशियान पर शक नहीं हुआ। इधर वे वुशियान न्यू हैसांग और वेनिंग को अपने साथ लेकर मार्केट तक गया था। वेनिंग कहता है, वे वुशियान तुम आज हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? ये सुनकर वे वुशियान मुस्कुराता है और कहता है, अरे वो मेरा बस मन हुआ था आज मार्केट आने का, बस इसीलिए। लेकिन न्यू हैसांग को वे वुशियान की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। वे वुशियान ने वांगजी के लिए एक घड़ी ली। निया वैसांग कहता है, वे वुशियान तुम्हारा बर्थडे है क्या जो तुमने घड़ी खरीदी है? वे वुशियान कहता है, बस यही समझ लो। वांगजी अपने रूम में बुक पढ़ रहा था तभी उसके भाई लान शिचेन की कॉल आई। लान शिचेन ने कहा, हैप्पी बर्थडे वांगजी। ये सुनते ही वांगजी सीरियस हो गया और कहता है, थैंक यू ग, पर आपको तो पता है ना कि मैं बर्थडे नहीं मनाता। लान शिचेन कहता है, वांगजी तुम कब तक ऐसे रहोगे? हाँ अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। वांगजी ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि आज तो वे वुशियान ने भी उसे डेट पर चलने के लिए कहा है।
भांग जी अपने भाई लांच चैन से कहता है गा, क्या आपने वेबुशियन को मेरे बर्थडे के बारे में बताया था? लांच चैन कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था मैंने आपसे। इसके बाद लांच चैन ने कॉल काट दी। वांग जी कहता है कि ना जाने मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। इसके बाद वो फिर से अपनी बुक को पढ़ने लगा। जैसे जैसे शाम का टाइम नज़दीक आ रहा था, वेबुशियन की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। न्यू हैसांग और वैनिक अपने अपने घर जा चुके थे। वेबुशियन घर वापस आकर पहले शावर लेता है, फिर वो अपनी अलमारी से एक ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की शर्ट निकालता है। वेबुशियन मिरर के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि क्या सीनियर वांग जी को मैं इन कपड़ों में अच्छा लगूँगा। ये सोचते सोचते वेबुशियन के फेस पर स्माइल आ जाती है। उधर वांग जी भी तैयार हो गया था। 5:01 बचा हुआ था। वेबुशियन वांग जी को कॉल करता है और कहता है, सीनियर आप भूले तो है ना हमारी डेट के बारे में? वांग जी कहता है, नहीं वेबुशियन मैं नहीं भूला, मैं 5 होटल फेदर लव पहुँच जाऊँगा। वेबुशियन कहता है, सीनियर मैं आपका वहाँ इंतज़ार करूँगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। वो होटल फेदर लव पर पहले ही पहुँच चुका था। वेबुशियन ने केक का ऑर्डर सुबह ही दे दिया था और होटल पहुंचकर उसने केक को वहीं मंगवा लिया और होटल के फ्रिज में रखवा दिया। वांग जी ने लाइट पर्पल शेड में शर्ट पहनी हुई थी, उसके साथ ब्लैक कलर की जीन्स। वो अपनी कार से होटल फेदर लव के लिए निकल गया। इधर वेबुशियन की नज़रें घड़ी पर अटकी हुई थी। वांग जी टाइम का पंक्चुअल था, इसीलिए वो करेक्ट 5 होटल पहुँच गया। जब वो होटल के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी थी और बहुत ही लाइट सी म्यूज़िक बज रही थी। तभी वांग जी की नज़र वेबुशियन पर पड़ती है, जो कि रूम के कोने में बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वांग जी को। वो वेबुशियन की ओर बढ़ने लगता है। वेबुशियन जैसे ही वांग जी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है, वो चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। वांग जी अब बिल्कुल उसके सामने था। वो कहता है, वेबुशियन प्लीज़ बैठ जाओ। ये सुनकर वेबुशियन अपनी चेयर पर बैठ गया, साथ ही वांग जी भी। वेबुशियन कहता है, सीनियर आपको ये जगह कैसी लगी? मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं आपको पसंद आएगी भी कि नहीं, क्योंकि आप तो हर चीज़ में इतना परफेक्ट हो। वांग जी कहता है, नहीं वेबुशियन तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है। फिर वो कहता है, वेबुशियन प्लीज़ मुझे सीनियर नहीं सिर्फ वांग जी कहकर बुलाओ। वेबुशियन ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ओह ओके। वांग जी कहता है, वेबुशियन ये जगह बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई। वेबुशियन ये सुनकर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू वांग जी, थैंक यू। वांग जी अपना दूसरा हाथ वेबुशियन के हाथ पर रख देता है और कहता है, वेबुशियन आई लव यू। वेबुशियन कहता है, वांग जी प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो ना। वांग जी ये सुनकर बहुत गौर से वेबुशियन की ओर देखने लगता है। वेबुशियन कहता है, प्लीज़ वांग जी अपनी आंखें बंद करो ना, मुझ पर ट्रस्ट है ना तुमको। वांग जी ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेबुशियन वेटर को इशारे से केक और कैंडल्स लाने के लिए कहता है। वांग जी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि उसको वेबुशियन पर पूरा ट्रस्ट था। तभी वेबुशियन कहता है, वांग जी अब अपनी आंखें खोल लो। वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है, पर जैसे ही उसकी नज़र केक और कैंडल्स पर पड़ती है, उसकी सारी स्माइल गायब हो जाती है। वेबुशियन ने कैंडल्स को ऑलरेडी जला दिया था। वो वांग जी की ओर केक कटिंग नाइफ को बढ़ाता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ केक को कट करो ना। वांग जी का फेस बिल्कुल सीरियस था। वेबुशियन जब वांग जी की ओर देखता है तो कहता है, वांग जी क्या मैंने कुछ गलत कह दिया या गलत कहा तुमसे? वांग जी कहता है, वेबुशियन तुमको मेरे बर्थडे के बारे में किसने बताया? वेबुशियन के चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट थी वो अचानक से गायब हो गई। वो कहता है कि सीनियर जियांग ने मुझे बताया था। वांग जी कहता है, वेबुशियन क्या उसने तुमको ये नहीं बताया कि मैंने कई सालों से अपना बर्थडे मनाया भी नहीं है? वेबुशियन चौंक जाता है और कहता है,
कि वांग जी मुझे सच में नहीं पता था इस बारे में, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, वे भूषण सॉरी मत बोलो। वे भूषण बहुत उदास हो गया था। कहाँ वो वांग जी को खुश करना चाहता था, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। उसने वांग जी को उसी के बर्थडे पर उदास कर दिया। ये सोचकर वे भूषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जो पहले सीरियस था, जैसे ही वे भूषण की आंखों में आंसू देखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। वो वे भूषण के हाथ को टाइटली प्रेस करता है और कहता है, प्लीज़ वे भूषण उदास मत होना, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरा बर्थडे आज सेलिब्रेट करने के लिए सोचा, लेकिन अचानक से ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर मैं आज अपना बर्थडे तुम्हारे साथ ज़रूर सेलिब्रेट करूँगा। वे भूषण आँखों को नीचे किए हुए था, वो वांग जी से नज़रें नहीं मिला रहा था। वो कहता है, वांग जी अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं है। वांग जी कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोची। ये सुनकर वे भूषण के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी ने फिर अपना केक कट किया और वे भूषण ने कहा, हैप्पी बर्थडे वांग जी। उन दोनों ने बर्थडे बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया और फिर वो दोनों वहाँ से घूमने के लिए निकल गए। वे भूषण ने अपने हाथ से वांग जी के हाथ में घड़ी पहनाई और पूछा कि वांग जी तुम्हें ये मेरा गिफ्ट कैसा लगा। वांग जी बहुत प्यार से उस घड़ी को देखता जा रहा था और फिर वे भूषण की ओर प्यार से देखता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ का शायद का अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। काफ़ी रात हो चुकी थी। वांग जी ने वे भूषण से कहा था कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। वे भूषण और वांग जी कार में बैठे हुए थे, तभी वे भूषण वांग जी की ओर झुकता है और उसके होंठों पर किस कर लेता है। वांग जी चौंक जाता है अचानक से किस किए जाने पर उसे वो किस अच्छा लगा था। वो वे भूषण की ओर झुकता है और उसकी गर्दन को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर वो बहुत प्यार से वे भूषण की ओर देखते हुए उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी और वे भूषण दोनों की आंखें बंद थीं। वो दोनों एक दूसरे को उस समय महसूस कर पा रहे थे पूरी तरीके से। काफ़ी देर किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी का गाल बिल्कुल रेड हो गया था। वे भूषण वांग जी के फेस को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, वांग जी आई लव यू सो मच। ये कहकर वो फिर एक बार वांग जी के होंठों पर सॉफ्ट किस कर लेता है। वांग जी वे भूषण की आंखों में देखते हुए कहता है, वे भूषण क्या आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर बिताना चाहोगे। ये कहकर वांग जी शर्मा जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। ये सुनकर वे भूषण भी हल्का सा शाय फील करने लगा था। फिर वो वांग जी के फेस को होल्ड करता है और कहता है, वांग जी आई लव यू, तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ये कहकर वे भूषण अपना फोरहेड वांग जी के फोरहेड से लगा लेता है। दोनों की ही दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं क्योंकि वो दोनों खोए हुए थे एक दूसरे के प्यार में। सो, यहीं पर हमारा आज का ये क्यूट सा वीडियो एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे बताना ज़रूर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।